Hello students, how are you? Hope you are doing good. So in the previous lecture we had seen with Indian economy before independence, lekin wo answer hum complete nahi kar paye the since it is a lengthy answer. So today we are going to continue the explanation of the same from point number 8, that is high rate of excise and customs. Okay, now what do you mean by excise duty, which is applicable on manufacturing of goods, and what is the meaning of customs? Customs ka question kab aata hai? Jab hum international trade karte hain. So whenever there is import or exports, custom duty lagu padti hai, jisko hum import duty, एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं. ओके, चलिए. हाई एक्साइज वॉज कलेक्टेड ऑन मैचेस, शुगर, स्टील एंड सिल्वर. तो ये चारों प्रोडक्ट्स पे एक्साइज बहुत हाई रेट पे चार्ज किया जाता था, बिकॉज वेन एवर यू मैन्युफैक्चर एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. तो जो भी प्रोडक्शन इंडिया में होता था रिगार्डिंग मैचेस, शुगर, स्टील, सिल्वर, इन पे जबरदस्त रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाता था. फिर वो लोग यहां पे नहीं अटके, आगे देखो उन्होंने क्या किया. धो सॉल्ट वॉज इजीली अवेलेबल बट ब्रिटिशर्स टर्म्ड इट एज इलीगल एंड दे मोनोपोलाइज्ड सॉल्ट ट्रेड एंड मेड इट एक्सपेंसिव फॉर पुअर इंडियंस. अब बात को समझो, सॉल्ट, नमक एक ऐसी चीज है जो डे टू डे एक्टिविटीज में चाहिए होती है. इसकी प्रेजेंस हमें फील नहीं होती, लेकिन इसके एब्सेंस से सब कुछ फीका फीका पड़ जाता है. सो खाने में सॉल्ट इज अ प्राइमरी नीड विच शुड बी सेटिस्फाइड. और जो गरीब लोग हैं उनके पास तो चलो सब्जी भी नहीं होती, दाल भी नहीं होती, तो वो क्या खाते थे? रोटी, अनियंस एंड सॉल्ट. इट वॉज अ वेरी बेसिक आइटम विच वॉज कंज्यूम्ड बाय द पुअर पीपल एंड सॉल्ट इन इंडिया वॉज अवेलेबल ऑन द सी शोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. वहां से हम सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करके, उसको प्रोसेस करके, उसको मैन्युफैक्चर करके हम अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, हम कर रहे थे. और ये ब्रिटिशर्स को दिख गया कि सॉल्ट इतनी अबेंडेंस में इंडिया में अवेलेबल है, तो क्यों ना इसी सॉल्ट का भी ट्रेड किया जाए और इस ट्रेड में भी ब्रिटिशर्स की मोनोपोली बनाई जाए. सो उन्होंने सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम द सी शोर्स, इस एक्ट को इलीगल घोषित कर दिया और सॉल्ट के ट्रेड में उन्होंने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करनी चाही. लेकिन हमारे गांधी जी थे फादर ऑफ द नेशन, ऐसे नहीं बोलते. टू स्टॉप दिस गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट सत्याग्रह विथ विच मार्च, डांडी मार्च. ठीक है, तो इसी डांडी मार्च को फील करने के लिए लेट अस सी समथिंग ऑन योर स्क्रीन. माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आ जा रे बाबू आ जा रे. 12 मार्च 1930 की सुबह 80 पदयात्रियों के साथ बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की. इस मार्च के जरिए गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून का विरोध किया था. यह यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अहम पड़ाव के रूप में माना जाता है. यात्रा का पहला पड़ाव असलाली गांव था, जहां मल्टीनेशनल कंपनियों के सॉफ्ट ड्रिंक का गोदाम था. गांधी ने यहां पहले अपने भाषण में गांव वालों से कहा, मैं मानता हूं कि हुक्का, शराब और दूसरी ऐसी चीजों पर कर लगना चाहिए, लेकिन क्या नमक पर कर लगाना सही है? ब्रिटिश शासन के कई कानूनों के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन चला.
लेकिन नमक कानून तोड़ने की पूरी यात्रा आजादी के इतिहास में सबसे अहम मानी जाती है। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के चलाए गए प्रमुख आंदोलन में से एक था और यात्रा अंग्रेजी दमन का अहिंसक जवाब बनी थी। नमक बनाने के मामले में अंग्रेजों की मोनोपोली चलती थी और वह नमक पर भारी टैक्स भी वसूलते थे। नमक सत्याग्रह अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ एक बड़ी रैली थी। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने 24 दिनों तक रोज औसतन 16 से 19 किलोमीटर पैदल यात्रा की। दांडी यात्रा से पहले बिहार के चंपारण में सत्याग्रह के दौरान भी गांधी जी बहुत पैदल चले थे। बिना किसी मैप की मदद लिए 60 साल से अधिक उम्र के एक व्यक्ति ने मात्र 24 दिन में लंबी यात्रा की जो 47 गांवों से गुजरी। साबरमती आश्रम से 358 किलोमीटर दूर दांडी के लिए वे 80 लोगों के साथ रवाना हुए जिनके पास कोई हथियार नहीं था। उनके पास था तो बस अपने प्रिय बापू की अहिंसा का विश्वास। यह एक अहिंसात्मक आंदोलन और पदयात्रा थी। गांधी की यात्रा के दौरान कुछ पड़ाव आए जो उनके इरादों को पूरे देश से जोड़ते चले गए। दांडी मार्च का मकसद न केवल कानून को तोड़ना था बल्कि स्वराज प्राप्ति के बड़े लक्ष्यों के लिए भी लोगों को एकजुट करना था। इस मार्च में गांधी के साथ सभी वर्गों के लोग शामिल हुए, सभी जातियों के लोग शामिल हुए, क्या ब्राह्मण क्या हरिजन, सब ने एक साथ मार्च किया। दांडी में समुद्र किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने गैर कानूनी तरीके से नमक बनाया और अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ दिया। आगे चलकर यह एक बड़ा नमक सत्याग्रह बन गया और हजारों लोगों ने न सिर्फ नमक बनाया बल्कि अंग्रेजी कानून को तोड़ते हुए गैर कानूनी ढंग से नमक भी खरीदा। नमक सत्याग्रह जिस तरह से बिना किसी हिंसा के आगे बढ़ा और बड़ी ही शालीनता से अंग्रेजों के एक तरफा कानून को तोड़ा, उसकी दुनिया भर में चर्चा होने लगी। इस दांडी मार्च ने अंग्रेजी हुकूमत को भी हिलाकर रख दिया। समझे? तो ये दांडी मार्च खाली एक ऐसी एक्टिविटी थी कि मैं यहां से चल के एक ऐसी जगह पे जाऊंगा जहां पे नमक सरप्लस में अवेलेबल है और वहां से नमक उठा के उसको गैर कानूनी ढंग से मैं बनाऊंगा, हिम्मत है तो रोक के बताओ। एंड ऑल दिस वॉज डन नॉन वायलेंटली, कोई भी प्रकार के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का उपयोग नहीं हुआ इस पर्टिकुलर सत्याग्रह में, इस पर्टिकुलर डांडी मार्च में। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज सक्सेसफुल। और आज भी हम इस दांडी मार्च को याद करते हैं, आज भी इस दांडी मार्च का जिक्र आपकी टेक्स्ट बुक में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेम पॉइंट इज कंटिन्यूड। ओके, अप टू 15% ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन कॉटन क्लॉथ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया सो दैट इंडियन कॉटन इंडस्ट्री रिसीव्ड अ सेटबैक। बराबर है? सो अपने जो कॉटन इंडस्ट्रीज थे उसको पछाड़ने के लिए ब्रिटिशर्स इंपोज्ड हाउ मच 15% ड्यूटीज ऑन द एक्सपोर्ट। तो ये कौन सी ड्यूटी हुई? एक्सपोर्ट ड्यूटी हुई। तो जैसे ही हम एक्सपोर्ट करने जाएं, ये ड्यूटी 15% की अपने सेलिंग प्राइस में ऐड हो जाएगी तो अपना कॉटन दुनिया में महंगा बिकेगा और फिर असल में वो बिकना बंद हो जाएगा बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड टू बाय एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। मत भूलो, प्राइस राइज डिमांड फॉल्स, यही तो ब्रिटिशर्स की साजिश थी कि वो लोग ये चीज को समझ गए थे कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लंबे समय तक बिकने वाले नहीं है। सो इंडिया के जो भी एक्सपोर्ट्स है उन पे मैक्सिमम ड्यूटीज लगाओ, उस प्रोडक्ट को इतना महंगा बना दो कि इंटरनेशनल लेवल पे उसकी डिमांड कम हो जाए, दूसरे देश हमसे कॉटन खरीदना बंद कर दें या कम कर दें। तो ऐसे करके हम इंडिया को आर्थिक नुकसान पहुंचाए। वी मेक सफर इंडिया अ फाइनेंशियल लॉस बाय रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट
विच वॉज अवेलेबल विच इंडियन इंडस्ट्रीज वेर गुड एट मेकिंग एंड दैट वॉज कॉटन. ठीक है, चलिए फिर आगे. वेर एज कॉटन क्लॉथ इंपोर्ट, अब समझना, जो कॉटन क्लॉथ का इंपोर्ट होता था फ्रॉम मैनचेस्टर इन इंग्लैंड केम टू इंडिया एट मच लोअर इंपोर्ट टेरिफ्स ऑफ ओनली अबाउट 2.5%. मतलब क्या कि जो भी क्लॉथ इंडिया से एक्सपोर्ट होगा या इंडिया में डोमेस्टिकली बिकेगा उस पे टैक्स 15%, और जो ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ कॉटन क्लॉथ है वो इंडिया में आ जाएगा एट 2.5% टैक्स ओनली. सो सीधी सी बात है, एज अ कस्टमर अगर आप सोचेंगे तो 15% टैक्स पे करेंगे कि 2.5%, कौन सा आपको पर बढ़ेगा, किसमें आपका पैसा बचेगा? तो सीधी सी बात है, 2.5% में ही आपका टैक्स बचेगा, आपका पैसा बचेगा, प्रोडक्ट तो मोर और लेस सेम ही होगा. ये एक प्लान था, ये एक स्ट्रेटेजी थी इंडिया के कॉटन इंडस्ट्रीज को डैमेज करने के लिए, दैट सेम क्वालिटी प्रोडक्ट वॉज मेड अवेलेबल एट अ लेसर रेट टू इंडियंस ओनली एंड इंडियंस वर ऑल्सो अ कंज्यूमर, दे वर ऑल्सो थिंकिंग कि मेरा पैसा कहां पे बचेगा. सो एवरी कस्टमर हैज दिस गोल इन माइंड दैट आई शुड पे द लीस्ट एंड गेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. सो ऐसा प्रोडक्ट मेरे सामने है जिसमें कम टैक्स लगेगा तो मैं तो उसी को खरीदूंगा ना, साथ में उस पे टैग भी तो लगाए इंपोर्टेड. आज आप लोग भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स पे ज्यादा भरोसा करोगे कि अब्रॉड से आए हुए गुड्स पे रिगार्डिंग क्वालिटी. सच बताना, अपने दिमाग को पूछो, अपने दिल से मत सोचो. दिल तो यही कहेगा मेरा भारत महान, इंडिया हमारे दिल में बसता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स और डेमोन्स्ट्रेटिंग योर क्लोथ्स शूज यू ऑलवेज लव सेइंग दैट ये तो इंपोर्टेड है, ये तो इस ब्रांड का है. और वो सारी ब्रांड कहाँ चल रही है, अब्रॉड में चल रही है. तो वही कीड़ा पहले से इंडियंस में था, दे यूज्ड टू बाय प्रोडक्ट्स विच वर कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन बिकॉज ऑफ टू रीजंस. पहला, इंपोर्टेड का टैग लगेगा मतलब क्वालिटी पे भरोसा है उनको, और दूसरा, सस्ते में भी तो मिल रहा है तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे ब्रिटेन से आए हुए प्रोडक्ट्स, वी आर गोइंग टू बाय दैट ओनली. और ये भी पूरी स्ट्रेटेजी गांधी जी ने पकड़ ली थी, इसीलिए क्या स्टार्ट किया था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था, क्योंकि उन्हें मालूम था व्हाट ब्रिटिशर्स आर डूइंग विद अस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, और हमारे ही लोग उनकी ये स्ट्रेटेजी को जाने अनजाने सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये नॉलेज ही नहीं था कि इनकी ऐसी स्ट्रेटेजी चल रही है. ओके, सो पब्लिक को अवेकन किया, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया, और उन्होंने बोला कि जो भी कंज्यूम करो इंडियन मेड ही कंज्यूम करो, तो ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को लॉस होगा, जो लॉस अनफॉर्चुनेटली अभी किसको हो रहा था, इंडियन इंडस्ट्रीज को हो रहा था. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं. ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट्स इंडियास लॉन्ग स्टेपल कॉटन टू इंग्लैंड, मतलब यहां से रॉ मटेरियल हम इंग्लैंड भेजेंगे, फिर इंग्लैंड उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा, और वही फिनिश गुड्स फिर आके कहां पटक देगा, इंडिया में ही पटकेगा और यहां के लोगों को ही चिपकाएगा, एंड दैट टू बाय चार्जिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी एज वेल एज इंपोर्ट ड्यूटी. वो ड्यूटी का जो पैसा है वो कहां गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, तो वो अमाउंट से भी ब्रिटिशर्स का ट्रेजर बढ़ा. समझ में आ रहा है? सो दोनों तरफ से लूटने का प्लान इन्होंने बनाया था, और इस प्लान में वो एक हद तक सक्सेसफुल भी रहे थे. ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर 9, इंडस्ट्रियल पॉलिसी. ओके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड इन इंग्लैंड वॉज फ्रॉम 1750 टू 1830. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेटा कहां पे आया, इंग्लैंड में आया. कौन से टाइम पे आया, 1750 टू 1830. अच्छा,
इंडिया में मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कब से स्टार्ट हुआ? 1850 में चालू हुआ, मतलब वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म होने के 20 साल बाद इंडिया में ऐसे कुछ स्टेप्स लिए गए। सोचो कितने कमीने हैं ये ब्रिटिशर्स कि जो भी एडवांटेजेस मिलेंगे वो हमारी कंट्री को मिलेंगे, इंडिया जिस पे हमारी हुकूमत है उसको हम ऊपर नहीं आने देंगे। और ये सारा कंट्रोल उनके हाथ में था, इसीलिए वो ऐसा खिलवाड़ हमारे साथ कर पाए, वरना किसी की मजाल नहीं है कि किसी को आगे आने से रोक सके। ये उनका समय सही था, उनकी स्ट्रेटेजी सही थी, और उसके साथ साथ हम इंडियंस सो रहे थे, अंदर अंदर झगड़ा कर रहे थे, हमारे लिए और चीजें इंपॉर्टेंट थी, इकोनॉमिकली एक साथ आना, कंट्री के बारे में सोचना, ये सब हम तब नहीं करते थे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज वॉज लॉपसाइडेड, लॉपसाइडेड मतलब एक तरफा, इन कैरेक्टर, इन द सेंस दैट ओनली सम लाइट एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज वर स्टार्टेड। ये भी कोई फेयर बात नहीं है ना कि आप यहां पर जो इंडस्ट्रीज चालू कर रहे हैं वो एकदम हल्की फुल्की इंडस्ट्रीज चालू कर रहे हैं, और वहां पर आप बड़ी बड़ी मशीन्स लगा रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो जो भी डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर का ब्रिटेन में हुआ उसका 10% या 20% ही डेवलपमेंट इंडिया में हुआ, और इसीलिए इंडिया पीछे है और ब्रिटेन आगे है। सो मिसमैच करवाया गया जानबूझ के इन रिसोर्सेस को कि सारे एडवांटेजेस हमारे, सारी सूरज की किरणें हमारी, रात तुम्हारी, अंधेरा तुम्हारा, बेरोजगारी तुम्हारी, पॉवर्टी तुम्हारी, ये स्ट्रेटेजी से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को ट्रीट किया था। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। नो अटेंशन वॉज गिवन टू मशीन मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंजीनियरिंग एंड हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज एंड अदर बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज। की मतलब चाबी बनाने का इंडस्ट्री नहीं, की मतलब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। सो ये मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और केमिकल इंडस्ट्रीज से सब कुछ छीन लिया, किसने? ब्रिटिशर्स ने। सो ये इंडस्ट्रीज मानो कंप्लेन कर रही हो, यू टुक एवरीथिंग फ्रॉम मी। सामने ब्रिटिशर्स का जवाब क्या आया? आई डोंट इवन नो हु यू आर। पता तो तब चलेगा ना जब ध्यान दिया होता, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, इन इंडस्ट्रीज की तरफ तुमने एक बार देखा भी नहीं जानबूझ के, क्योंकि आप चाहते ही नहीं थे कि ये इंडस्ट्रीज कभी इंडिया में डेवलप हो। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इंडिया रिमेन बैकवर्ड बाय एजेस। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 10, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन करने में ये बिल्कुल पीछे नहीं थे, क्योंकि इरादा, गोल, फोकस सब एक ही था, इंडिया को नीचे लाओ, उनके रिसोर्सेस को लूटो। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया? ईस्ट इंडिया कंपनी एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेस एंड प्रमोटेड ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो मान लो कि ब्रिटिशर्स के हाथ में इंडियन रिसोर्सेज हैं, और इंडियन रिसोर्सेज का वो क्या कर रहे हैं? पटक पटक के एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स केम विथ अ वेरी इल इंटेंशन, एंड दैट वॉज टू एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया ऑफ ऑल द सेक्टर्स दैट वर अवेलेबल। तो इंडस्ट्री तो उन्होंने छोड़ी ही नहीं, दूसरा एग्रीकल्चर जो हमारा स्ट्रेंथ था उस पर भी उन्होंने अटैक किया था बाय चार्जिंग हाई लैंड रेवेन्यूज, विच वी हैव सीन इन द प्रीवियस लेक्चर। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 11, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिसंस। आर्टिसंस मतलब विलेज में काम करते हुए लेबरर्स, जो आर्टिस्टिक काम करते हैं, कुछ साधनों का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, पॉटरी का काम करते हैं, उन सब लोगों को हम किस में शामिल करेंगे? आर्टिसंस की कैटेगरी में शामिल करेंगे। उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ,
कैसे? सी दैट ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड आर्टिसंस बाय ऑब्टेनिंग गुड्स फ्रॉम देम अप टू 15% टू 40% लोअर प्राइसेस। तो वो लोग जो भी बनाते थे उसमें 15% से 40% का डिस्काउंट क्लेम करके ब्रिटिशर्स उनसे ये गुड्स खरीदते थे एंड सोल्ड देम इन द वर्ल्ड एट हायर प्राइसेस एंड मेड हायर प्रॉफिट्स। मतलब वो यहां पे सब कुछ तबाह करने आए हैं। दे हैव कम ओवर हियर टू रुइन ईच एंड एवरीथिंग दैट वॉज द होप फॉर इंडिया। सो आर्टिसंस तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, बोले तुझसे सामान खरीदूंगा एकदम सस्ते में और इसी सामान को दुनिया में बेचूंगा एट अ वेरी हाई प्राइस। ऐसा किसने बोला? ब्रिटिशर्स ने बोला। किसको बोला? आर्टिसंस को बोला। और आर्टिसंस मजबूर थे क्योंकि गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी, तो वो उसके सामने कुछ एक्शन ले ही नहीं पाए। और देखते ही देखते ब्रिटिशर्स ने इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, इतनी वेल्थ बना ली कि आज की तारीख में भी देखो यूके कहां पे है और देखो इंडिया कहां रह गया। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। दे स्टार्टेड सेलिंग इन इंडिया चीप गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। चीप मतलब सस्ता, दाम में सस्ता, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ओके, एंड रुइंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो सामान बनेगा एक तो वो डोमेस्टिक होगा, दूसरा महंगा होगा क्योंकि उस पर टैक्सेस ज्यादा लगाए। दूसरी तरफ इंग्लैंड में जो गुड्स बने वो इंडिया में इंपोर्ट करवाए गए बहुत सस्ते रेट ऑफ टैक्सेस पे। सो वहां की क्वालिटी भी अच्छी, दाम भी सस्ता और इंडिया में जो बना उसकी क्वालिटी भी इंफीरियर, ऊपर से महंगा। तो आपके लिए क्लियर कट चॉइस एज अ कंज्यूमर क्या है? ब्रिटिश गुड्स। और इसीलिए इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी जो छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रही थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो क्या हो गई बेटा? रुइन हो गई, खल्लास हो गई। क्योंकि लॉस में कब तक इंसान बिजनेस करेगा? उसकी लिमिट आने के बाद वो बिजनेस बंद तो करेगा आज। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 12, इन्वेस्टमेंट पैटर्न। ओके, रेलवेज एंड रोड नेटवर्क्स वर क्रिएटेड टू हेल्प टू मूव रॉ मटेरियल एंड गुड्स फॉर देयर इंडस्ट्री। मतलब क्या? इन्होंने रेलवेज बनाए, रोडवेज बनाए, लेकिन उसके पीछे इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या था? कि हम जो भी गुड्स ब्रिटेन से यहां पे लेके आए उसको इंडिया के हर कोने में बेच सकें। वहां तक इन गुड्स को पहुंचाने के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, वरना वो ये भी नहीं करते। इनके इरादे देखो डे वन से तय है कि इंडिया को लूटना है, तो हर जगह लूट मचाने के लिए हमें अपने गुड्स वहां पहुंचाने पड़ेंगे, अपने लोग वहां पहुंचाने पड़ेंगे और उनको पहुंचाने के लिए ही हम क्या बनाएंगे? रेलवेज, रोडवेज। और इंडिया की पब्लिक को क्या बोलेंगे? देखो हमने कितना ज्यादा विकास किया है, हम रेलवेज लेके आए, हम रोडवेज बना रहे हैं, देखो अपने कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। और हम इंडियंस दूर बैठ के वाह जोरदार मजा आ गया ऐसा बोलते रह गए और पीछे के रास्ते से वो हमारी कंट्री को लूट के चले गए, हमें मालूम भी नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन मेड टू एजुकेट पर्सोनेल टू रन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। सो एजुकेशन पे भी उन्होंने खर्चा किया लेकिन ब्रिटिशर्स को पढ़ाने के लिए या इंडिया के लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वो नौकरी कहां मिलती? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उनको नौकरी मिलती। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम वहां पे चालू किया विच कंसिस्टेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स, जिसको हम आज कॉन्वेंट एजुकेशन बोलते हैं। कॉन्वेंट स्कूल नहीं, कॉन्वेंट एजुकेशन, मतलब एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, जिसको हम क्या बुलाते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल्स।
ये इन्होंने स्टार्ट किया। सो वहां पे पर्सनल को एजुकेट किया, लोगों को पढ़ाया ताकि वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को और आगे बढ़ा सके। एंड इंडियंस वेर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग टेक्निकल एजुकेशन। हमको टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने से रोका गया, बोले आप सब लोग जनरल एजुकेशन ही लोगे, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन अगर हमें मिलता तो हम क्या क्या नहीं कर सकते थे। आज भी देखो कितना सारा टेक्निकल एजुकेशन इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और इंडिया के ही लोग अब्रॉड जाके क्या तहलका मचा रहे हैं। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आप देखोगे उसके सीईओ, उनके प्रमोटर्स कौन है, इंडियंस हैं। नासा में 60% ऑफ द एम्प्लॉइज आर इंडियंस, और ऐसे बहुत कम इंडियंस हैं जो फॉरेन ऑफर मिलने के बावजूद इंडिया में रहेंगे और इंडिया के विकास के लिए अपना पूरा जीवन त्याग देंगे। एक ऐसे ही इंसान को अभी आप सुन रहे हैं। मैं भी चाहता अब्रॉड जा सकता था, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य नक्की है इंडिया में रहकर, अपनी जन्मभूमि में रहकर उसी को अपनी कर्म भूमि बनाऊंगा और इंडिया का विकास करूंगा, न कि अब्रॉड का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सो हमको टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने से पहले रोका गया था और इस कारण से दे गॉट एन एक्स्ट्रा एज बिकॉज दे वर टेकिंग टेक्निकल एजुकेशन। सो ब्रिटिशर्स रिमेन्ड वन लेवल अबव द इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद दे स्टार्टेड कॉलेजेस फॉर मेडिसिन एंड सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया फॉर देयर बेनिफिट एज दे वॉन्टेड सिविल इंजीनियर्स फॉर पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया एंड ब्रिटेन। मतलब उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेजेस स्टार्ट तो किया, लेकिन इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, अगेन दे वॉन्टेड टू स्ट्रेंथन देयर पावर, देयर एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन ब्रिटेन। मतलब खुल्लम खुल्ला ऑफर दे दिया कि पढ़ो यहां पे, ये पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको ब्रिटेन भेजा जाएगा। और अब्रॉड का कीड़ा हम में डाला गया तभी से कि इंडिया में क्या रखा है वो देखो, ब्रिटेन, यूके, लंदन, वहां पे आके पढ़ाई करो और वहां पे आके काम भी करो तो आपको ज्यादा इनकम मिलेगी, मजा आएगा। ये सब लालच दिखाकर वो लोग इंडिया से जो भी इंटेलिजेंट ब्रेन थे उनको वहां ले गए और उनको वहीं पर रहने का परमिशन दे दिया, परमानेंट वीजा भी दे दिया, ग्रीन कार्ड जिसको बोलते हैं वो भी अवेलेबल हो गया और ब्रिटिश पासपोर्ट दे दिया विच इज वैलिड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये उनका स्ट्रेटेजी था। ठीक है, सो जो भी उन्होंने अच्छा किया वो दिखाने के लिए था, पीछे के रास्ते से असल ऑब्जेक्टिव उन्हीं को मालूम था कि यहाँ के लोग हम लेके जाएंगे, यहाँ की वेल्थ हम लेके जाएंगे, यहाँ पे जो भी अच्छा करने वाली चीजें हैं उन्हें बर्बाद करके जाएंगे। अंडरस्टूड, दैट वाज देयर ऑब्जेक्टिव एंड दैट वाज देयर इन्वेस्टमेंट पैटर्न आल्सो। ठीक है, सो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्टार्ट किए लेकिन बद इरादे से। ओके, उसके बाद नो प्रमोशन वॉज डन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज लेने का हमको अधिकार नहीं था। किसी भी प्रकार का नया साइंस यहाँ डेवलप हो, यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंट हो, ऐसा उन्हें चाहिए ही नहीं था। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने से इंडियन स्टूडेंट्स को रोका गया था। ठीक है, चलिए फिर पॉइंट नंबर 13, पेमेंट बर्डन। मतलब पैसे यहां से बिंदास जा रहे थे, कोई उसको रोकने वाला नहीं था। एडसी कहां कहां जाता था ये पैसा। पेमेंट्स वेर मेड टू ब्रिटिश फ्रॉम इंडियाज इनकम बिसाइड्स ह्यूज सैलरीज ऑफ ब्रिटिश पर्सोनल, जिनको हम पर्सोनल बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल नहीं, पर्सोनल। ओके, पर्सनल मतलब खुद का, प्राइवेट, और पर्सोनल मतलब पर्संस से रिलेटेड, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। ओके, सो हुसोएवर
वॉज वर्किंग इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सैलरीज, उनका पेंशन, उनका ग्रेच्युटी, उनका खाने पीने का खर्चा, ये सब इंडिया की इनकम से पे होता था। मतलब खुल्लम खुल्ला लूट मची हुई है दो नहीं चार हाथों से, और इसीलिए इंडिया खाली हो गया ना। ठीक है, पैसे चले गए, वो कभी लौट के वापस नहीं आए। चलो फिर, दीज इंक्लूड होम चार्जेस, देयर वॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच इंडिया पेड टूवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, वॉर एक्सपेंसेस, पेंशंस टू रिटायर्ड ऑफिसर्स एंड अदर एक्सपेंसेस। तो जो भी खर्चे हुए ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन पे, उनकी आर्मी पे, अलग अलग वॉर्स होती थी उनमें खर्चा होता है, तो ये सारे खर्चे का बर्डन किस पे आया? इंडियन रिसोर्सेस पे आया। यहीं से सारा पेमेंट होता था बड़े मजे से, और ये किसी को मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि गवर्नमेंट किसकी? ब्रिटिशर्स की। आर्मी किसकी? ब्रिटिशर्स की। एडमिनिस्ट्रेशन में लोग किसके? ब्रिटिशर्स के। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, होम चार्जेस वेर मेड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, तीन तीन हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बता के हम लूटेंगे। पहला इंटरेस्ट, लोन होता है उस पे इंटरेस्ट का बर्डन। दूसरा पेमेंट ऑफ डेट्स इनकर्ड इन मेंटेनिंग इंडियन कॉलोनी, सो जो भी लोन लिया था आपकी कंट्री में चीजों को मेंटेन करने के लिए, उस लोन का रीपेमेंट भी तो ब्रिटिशर्स को करना पड़ेगा। और तीसरा इंटरेस्ट ऑन रेलवे, सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस, मतलब जो भी चार्जेस हम पे कर रहे हैं वो भी अगर ब्रिटिश सोर्सेस से आए हैं तो उस पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। सो चार्ज पे चार्ज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट, ऑल दीज थिंग्स वेर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ होम चार्जेस। ठीक है, अंडरस्टूड। सो आपने देखा कैसे फाइनेंशियली उन्होंने हमारी कंट्री को वीक कर दिया, हमारे रिसोर्सिस को निस्थो नाबूद कर दिया। अफसोस होता है ये सब जान के, बट अब क्या फायदा। ठीक है, चलिए, नाउ ये आंसर तो हो गया, अब इस पूरे आंसर को हमें लर्न करना पड़ेगा। 13 पॉइंट का आंसर है, बट डोंट वरी, यू विल लर्न इट लाइक दिस इन 2 मिनट्स ओनली। ठीक है, चलिए, सो व्हाट इज द शॉर्टकट, क्वेश्चन क्या है? इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस कौन था? ब्रिटिशर्स थे, तो ये शॉर्टकट भी शुरू कहां से होगा? ब्रिटिशर्स, थोड़ा लंबा करके बोलने का, ब्रिटिशर्स। ओके, केम टू इंडिया फॉर व्हाट? पीस ऑफ सॉल्ट, इतना स्टेटमेंट याद रखो। इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस कौन था? ब्रिटिशर्स, एंड ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर व्हाट? अ पीस ऑफ सॉल्ट। सो ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर पीस ऑफ सॉल्ट। सो इसको पिक्चर फॉर्म में देखेंगे, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर पीस ऑफ सॉल्ट। अब हमने अंडरलाइन क्या किया है? बी आर आर आई, ब्री, इसीलिए उसको बड़ा करने को बोला था। पीस पी आई ई सी ई, एंड सॉल्ट एस ए एल टी, तो गिनो, बी आर आर आई पी I E C E S A L T हो गए ना, 13 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब B फॉर बैंकिंग, R फॉर रेलवेज, R फॉर रोडवेज, I फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, P फॉर पेमेंट बर्डन, I फॉर इन्वेस्टमेंट पैटर्न, E फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, C फॉर कस्टम्स एंड एक्साइज, E फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिसंस, S फॉर सोशल स्ट्रक्चर, A फॉर एग्रीकल्चर, L फॉर लैंड रेवेन्यू, एंड T फॉर टैक्सेस। ठीक है, ये कल वाला और आज वाला आंसर कंबाइंड 13 पॉइंट्स आपको ऐसे लर्न करने हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, तो बिफोर इंडिपेंडेंस कौन था? ब्रिटिशर्स। वो यहां पे क्यों आए? फॉर अ पीस ऑफ सॉल्ट। सो ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर अ पीस ऑफ सॉल्ट, बिफोर
बैंकिंग, आर फॉर रेलवेज, आर फॉर रोडवेज, आई फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पी फॉर पेमेंट बर्डन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट पैटर्न, ई फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सी फॉर कस्टम्स एंड एक्साइज, अगेन ई फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिसंस, एस फॉर सोशल स्ट्रक्चर, ए फॉर एग्रीकल्चर, एल फॉर लैंड रेवेन्यूज एंड टी फॉर टैक्सेस. ओके, अंडरस्टूड? तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके, बाय.